जी, आज सुबह हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों से कि एक तेंदुआ जो है वो किसी किसान के लाड़ी के पास में जो है फंस चुका है, जो कि रस्सी का जाल और क्लच वायर्स का जाल संभवतः जंगली सुअर के शिकार के लिए उन्होंने लगाया था शिकारियों ने, जिसमें तेंदुआ जो है फंस गया था। इसकी सूचना मिलते ही वन अमला जो है सक्रिय हो गया था और हमारे परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती प्रतिभा मेश्राम एवं SDO श्री गोपाल कश्यप मौके पर पहुंचे और ड्रोन की सहायता से जो है सबसे पहले देखा कि कहाँ बंधा हुआ है रस्सी और कहाँ उनके तेंदुआ के कमर में कैसे किस प्रकार से बंधा हुआ है, किस प्रकार उसका उपचार किया जाना है। तो उसी के साथ हमने जो रायपुर जंगल सफारी की डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया था ताकि उसको निश्चित करके जो है उसका उपचार किया जा सके, लेकिन उन टीम को आने के पहले ही जो है तेंदुआ वहाँ से जो है जाल तोड़ के जो है रस्सी तोड़ के वो सुरक्षित वन क्षेत्र में चला गया, जिसकी मॉनिटरिंग अभी की जा रही है ट्रैप कैमरा से ताकि अगर क्लच वायर से वो घायल हुआ तो उसका उपचार किया जा ड्रोन का सके। उपयोग कहाँ कहाँ किया? ड्रोन्स का उपयोग एक तो हमने क्योंकि उसके पास नहीं जा सकते तेंदुआ के, तो हमने दूर से उड़ा के उसको देखा है, ड्रोन को मतलब पास से उड़ा के देखा, तो उसमें वही पता चला कि उनके क्लच वायर कमर में फंसा हुआ है और रस्सी भी बंधी हुई है, तो काफी क्लच वायर्स थे वहाँ, 131 नग क्लच वायर अभी तक जब्त किए जा चुके हैं और अभी उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी पता लगाने के लिए भी कि वो सुरक्षित है कि नहीं, वो भी उसके लिए भी ड्रोन का कुछ उपयोग किया घायल जा रहा है। हुए? इसमें एक पत्रकार जो है नगरी के वो शायद इसमें घायल हुए हैं जिनको तेंदुए द्वारा खरोंच मारी गई है रिपोर्टिंग करते दौरान, उनका इलाज किया जा चुका है। क्या करेंगे सर शिकारियों के आगे? अभी शिकारियों के लिए अब हम एक एंटी स्नेयर वॉक यहाँ पे चलाएंगे ताकि जो है पूरे जो कहाँ कहाँ फंदे वो लगा रहे हैं, क्या क्या और जानवरों का शिकार की कोशिश की जा रही है उसका पता लगाकर उनको जो है नेस्त नाबूद किया जाएगा।